हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू रुद्र हाइकर चैनल और मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों अभी मैं गुजरात में हूं और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी है और मुझे इसके बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि ये जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करूं। बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अभी मैं जिस बगीचे में खड़ा हूँ, ये एक ऐसे पेड़ों का बगीचा है मतलब जो संसार में लगभग दूसरे नंबर पर जिसकी कॉस्ट है बहुत कॉस्टली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंदन के पेड़ों के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है तो लगभग ये अपने देश के अंदर 10-12 हज़ार रुपये में एक किलो लकड़ी का रेट रहता है और डिमांड भी बहुत है। ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसका मतलब एक लार्ज स्केल पे बहुत उपयोग होता है, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, और जैसे अपने इंडिया के अंदर जो अंत्येष्टि प्रोग्राम होता है, अंत्येष्टि करते हैं उसमें भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं चंदन की लकड़ी के, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार देखा इस तरह से प्रत्यक्ष पेड़। तो अभी ये छोटे हैं, जिस यहाँ गुजरात में जिसने लगाया थोड़ा बहुत वो जानता होगा, तो इसकी खेती कर रहा है, तो सोचा कि ये पेड़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये पेड़ कुछ इस तरह का है और इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं इसमें। एक बात जो आप लोगों को पता होगा इस पेड़ के बारे में कि इसकी लकड़ी से खुशबू आती है, तो मैं इसको सूंघने की कोशिश कर रहा था तो लेकिन इसमें अभी खुशबू नहीं, अभी छोटा है और जब ये तैयार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो इसमें खुशबू भी बनेगी और इसकी लकड़ी भी बहुत मुलायम होती है क्योंकि मैंने चंदन की लकड़ी देखी भी है अपने वहाँ पर। लेकिन अभी ये छोटे हैं और दूसरा आप इसके साथ में दूसरे पेड़ देख रही हैं, तो मैं पहले ये सोच रहा था कि चंदन के पेड़ ये हैं, एक्चुअली ये सपोर्ट के लिए हैं। उसने बताया कि थोड़ा सपोर्ट देने के लिए होता है, लेकिन चंदन के पेड़ ही हैं जो दूसरे हैं। और जब आप चंदन के पेड़ को देखो या उसके पास जाओ तो एक बात का ध्यान जरूर रखना है, सांप से सावधान रहना है क्योंकि जहाँ चंदन के पेड़ होते हैं वहाँ सांप ज़रूर होते हैं। अभी मित्र ने बताया था कि आपने सावधान होकर के वीडियो बनानी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सांप हैं और नाग वगैरह भी है। ये तो हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जहाँ चंदन के पेड़ होते हैं वो चंदन के पेड़ से सांप लिपटते हैं और व्यक्ति को मतलब सावधान रहना चाहिए। इस बगीचे को, चंदन के बगीचे को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं फ्यूचर में अगर कोई मुझे अच्छी जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा, आपको शेयर करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।